नमस्कार, सुबह के 8 बजने वाले हैं आपके साथ, मैं हूं विद्यानाथ झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं न्यूज 50। यूपी के लखीमपुर खीरी में लगाया गया कर्फ्यू, सांप्रदायिक तनाव के बाद एहतियातन कदम। हाई अलर्ट पर लखीमपुर खीरी, जिला प्रशासन, आज लखीमपुर खीरी के सभी स्कूल कॉलेज बंद। यूपी के लखीमपुर खीरी में आपत्तिजनक वीडियो वायरल, पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। केरल के कोझिकोड में आरएसएस के दफ्तर पर देसी बम से हमला, बीती रात हुए हमले को लेकर कोई गिरफ्तारी नहीं। संघ दफ्तर पर हुए हमले में 4 स्वयंसेवक घायल, 2 घायलों की हालत गंभीर, सभी अस्पताल में भर्ती। कोझिकोड में हुए हमले पर संघ विचारक राकेश सिन्हा का बयान, केरल के सीएम दे रहे हैं हमलावरों को शह। विश्वविद्यालयों में असहिष्णुता पर राष्ट्रपति का प्रहार, कहा देश में असहिष्णुता के लिए कोई जगह नहीं। केरल के कोच्चि में राष्ट्रपति का संबोधन, कहा हिंसा नहीं बल्कि बहस करने की जगह है यूनिवर्सिटी। जेएनयू की इमारत से विवादित पोस्टर हटाने के निर्देश, पोस्टर पर कश्मीर की आजादी का संदेश। जेएनयू में स्कूल ऑफ सोशल साइंस की बिल्डिंग पर विवादित पोस्टर, देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद के संगठन की ओर से आपत्तिजनक मांग। देश में 70,000 करोड़ रुपए के काले धन का पता चला, ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी ने दी जानकारी। एसआईटी उपाध्यक्ष जस्टिस अरिजीत पसायत का बयान, कहा ब्लैक मनी पर तैयार रिपोर्ट अप्रैल के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे। नोटबंदी के बाद 250 करोड़ रुपए की अघोषित आमदनी का खुलासा, ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत देश भर में 230 से ज्यादा जगहों पर हुई है छापेमारी। इनकम टैक्स ने 5 राज्यों में की छापेमारी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषित किए जाने की उम्मीद। रेलवे में ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए जल्द जरूरी होगा आधार नंबर, टिकट की कालीबाजारी रोकने के लिए पहल। रेलवे में फर्जी टिकट बुकिंग के निपटारे की तैयारी, टिकट सिस्टम को कैशलेस बनाने पर जोर। यूपी में विधानसभा चुनाव के 6ठे दौर के लिए मतदान कल, पूर्वांचल के 7 जिलों की 49 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। यूपी में बुर्का पहनने वाली महिला मतदाताओं की हो पहचान, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की मांग। यूपी में मतदान केंद्रों पर महिला पुलिस की हो तैनाती, बीजेपी ने दी दलील, बोगस वोटिंग पर लगेगी लगाम। चुनाव आयोग ने बीएसपी से 15 मार्च तक मांगा जवाब, नोटबंदी के बाद बीएसपी के खाते में बड़ी रकम हुई थी जमा। यूपी में 6ठे दौर का प्रचार थमने से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का गोरखपुर में रोड शो, 5 चरण के चुनाव में बहुमत मिलने का दावा। चुनाव आयोग के नोटिस पर बीएसपी की भड़ास, कहा बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से भी पूछे जाए सवाल। यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए पीएम मोदी का अभियान, आज मिर्जापुर में रैली में लेंगे भाग। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की यूपी में आज 2 रैली, गाजीपुर और वाराणसी में मांगेंगे वोट। बीएसपी प्रमुख मायावती की आज जौनपुर और मिर्जापुर में जनसभा, सीएम अखिलेश यादव 7 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। गोरखपुर में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के समर्थन में पोस्टर, अब की बार योगी सरकार के नारे लगे। यूपी के सीएम अखिलेश यादव के बलिया में पीएम मोदी पर निशाना साधा, बिजली को भी हिंदू मुसलमान में बांटने का आरोप लगा। वाराणसी में राहुल गांधी ने एक बार फिर फूड प्रोसेसिंग का मुद्दा उठाया, कहा अमेरिका और जापान में बिके यूपी का आम। चंदौली में रैली के दौरान बीजेपी पर मायावती के आरोप, कहा समाजवादी पार्टी से मिली है भारतीय जनता पार्टी। यूपी के जौनपुर में आरजेडी प्रमुख लालू यादव के खिलाफ केस दर्ज, पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप। वाराणसी में खुद को जिंदा साबित करने के लिए चुनाव लड़ रहा है एक उम्मीदवार, सरकारी दस्तावेजों में संतोष मूरत सिंह की हो चुकी है मौत। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के लिए कल पहले दौर का मतदान, 38 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में टला बड़ा रेल हादसा, टूटा हुआ मिला रेलवे ट्रैक, वक्त रहते हुई मरम्मत। मथुरा की जवाहर बाग हिंसा की जांच करेगी सीबीआई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 महीने में मांगी रिपोर्ट। यूपी के बरेली में छेड़खानी से परेशान होकर 2 गांवों की छात्राओं ने स्कूल छोड़ा, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, रास्ते में पुलिस बल तैनात कर दिया। समारोह के दौरान फायरिंग पर रोक नहीं लगने से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट नाराज, पंजाब सरकार से जल्द ठोस नीति बनाने को कहा गया। दिल्ली के रामजस कॉलेज से जुड़े विवाद में कूदे शरद पवार, का केंद्र की सरकार गलत हाथों में। बीएमसी मेयर के चुनाव को लेकर आज महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक, नामांकन दाखिल करने का कल आखिरी दिन। गाजियाबाद के लोनी में बाल्टी में गिरकर 1 साल के बच्चे की मौत, खेलने के दौरान हुआ यह हादसा। कोलकाता में 56,74,000 रुपए के नकली नोट जब्त, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के ओखला में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने पाया काबू, लाखों का नुकसान।
दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोटिस, सरकारी स्कूल के मिड डे मील में मिला था चूहा। दिल्ली के मशहूर लिमरिडिन होटल का लाइसेंस रद्द, 523 करोड़ रुपए का बकाया न मिलने की वजह से एनडीएमसी का फैसला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राव साहेब दानवे के बेटे की शाही शादी, सीएम सहित कई मंत्रियों ने की शिरकत। गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा पर उछाला गया जूता, सुरक्षाकर्मियों ने जूता फेंकने वाले सरकारी कर्मचारी को पकड़ लिया। तिरुपति बालाजी मंदिर में जमा हुए 4 करोड़ के पुराने नोट, नोटबंदी के बाद लोगों ने हुंडी में डाले 500 और 1000 रुपए के नोट।